हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि सीबीएसई द्वारा क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यानी सीबीएसई इस बार दो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी दोस्तों, 1 नवंबर और दिसंबर में। तो दोस्तों, हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा नवंबर दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसी के पैटर्न के आधार पर हम कहें एमसीक्यू बेस आधारित चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला तैयार की है, जिसे कर कर आप खुद को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी नवंबर दिसंबर को लेकर किस दिशा में चल रही है। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए, कितने गलत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीबीएसई द्वारा नए पैटर्न पर आधारित इन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करते हैं। और आपके इन 10 में से कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? पहला दोस्तों, टुवर्ड्स न्यू पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट, बी स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्रों के बीच सहयोग संबंध, तीसरा है परमाणु अप्रसार संधि, चौथा CTBT। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, वह है पहला, टुवर्ड्स न्यू पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट। आपको पता है दोस्तों कि अंगटाट द्वारा 1972 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 2, गुट निरपेक्ष आंदोलन किस सम्मेलन का परिणाम था? याल्टा सम्मेलन, बाडुंग सम्मेलन, एशियाई शिखर सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन किस सम्मेलन का परिणाम था? इसका आंसर दोस्तों वो है बाडुंग सम्मेलन। जी हाँ, बाडुंग सम्मेलन इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर है दोस्तों। इसका अपना अपने आंसर से ज़रूर मिलाएं। आपको पता है कि बाडुंग सम्मेलन के बाद 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 3, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? पहला है दिसंबर 1991, दिसंबर 1989, जनवरी 1970, दिसंबर 1979। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, वह है दिसंबर 1989। क्लियर। और जर्मनी की जो हम एकीकरण की बात करें दोस्तों, तो बर्लिन की दीवार को जब गिरा दिया गया, और इसी समय ही दोस्तों बर्लिन का एकीकरण हो जाता है। इससे पहले बर्लिन जो है जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी जो किसके साथ था दोस्तों? सोवियत संघ के साथ। पश्चिमी जर्मनी जो था वो था अमेरिका के साथ, यानी पूंजीवादी विचारधारा। क्लियर। प्रश्न नंबर 4, पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? पहला है विश्व युद्ध से, दूसरा शीत युद्ध से, तीसरा तनाव शैथिल्य से, चौथा अमेरिका और सोवियत संघ से, पांचवा पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा से। हमारे सामने विकल्प है दोस्तों, पहला ए 1 या 2, बी 1 या 5, सी 3, 4, 5 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का जो आशय है वो है तनाव शैथिल्य से, अमेरिका और सोवियत संघ से, और पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा से। यानी इसका जो सही विकल्प है वो है सी। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? ए मार्शल टीटो, बी अराफात, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा है दोस्तों अब्दुल नासिर, यानी गमाल अब्दुल नासिर। तो इनमें से गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो जनक नहीं है, जो संस्थापकों में से एक नहीं, वो है बी यानी अराफात। तो आप सभी को पता है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी, और इसे पांच संस्थापकों ने इसकी स्थापना की थी। उनमें मार्शल टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, है ना, सुकर्णो और वाने नक्रुमा शामिल थे, अराफात उसमें शामिल नहीं थे। प्रश्न नंबर 6, महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन इसमें से नहीं है? यानी कौन सा कथन महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता
नहीं है। ए गठबंधन के सदस्य देशों को अपने क्षेत्र में महाशक्तियों के लिए स्थान देना जरूरी था। बी सदस्य देशों की विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्तियों का समर्थन करना था। सी जब कोई राष्ट्र सदस्य देशों पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। चौथा है महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपना परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। तो जो सही विकल्प है दोस्तों वो है, ये तीनों तो सही हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब इसमें जो गलत कथन है तो जो सही नहीं है वो है चौथा, यानी महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपना परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, ये महाशक्ति द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता नहीं थी, गठबंधन विशेषता नहीं थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, महाशक्तियों के बीच खींचतानी यानी खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना, यानी जो महाशक्तियाँ सोवियत संघ और अमेरिका जो शीत युद्ध द्वारा उनकी खींचातानी चल रही थी, उसका अखाड़ा कौन सा द्वीप बना था, कौन सा राष्ट्र बना था, अगर बात करें समूह बना था। ए अमेरिका, बी इटली, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो इसका सही विकल्प दोस्तों यूरोप। प्रश्न नंबर 8, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कुल कितने देश शामिल थे। तो अप्रैल 1949 में दोस्तों नाटो की स्थापना हुई तो उसमें कुल कितने देश शामिल थे, तो वो थे ए 15, बी 12, सी 20 या डी 25। तो सही विकल्प है दोस्तों बी 12। प्रश्न नंबर 9, वारसा संधि को किस एक और नाम से जाना जाता है। ए पश्चिमी गठबंधन, बी पूर्वी गठबंधन, सी यूरोपीय गठबंधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वारसा संधि को एक और नाम से जाना जाता है वो है पूर्वी गठबंधन। ठीक इसी तरह दोस्तों जो अगर हम बात करें नाटो संधि संगठन को पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, चलिए इनमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। पहला है सदस्य देशों को शक्ति गुटों से अलग रखना, विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाना, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को समाप्त करना, सदस्य देशों को दोनों गुटों के साथ सहयोग करवाना। इनमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। तो उसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है चौथा, यानी सदस्य देशों को दोनों गुटों के साथ सहयोग करवाना, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, बाकी तीनों दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के ही उद्देश्य थे। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि 10 में से आपके कुल कितने आंसर ठीक हुए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा ये एक छोटा सा प्रयास है सीबीएसई के नए पैटर्न पर आधारित आप सभी को जानकारी देने के लिए कि पैटर्न इसी अनुसार बनेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।